और ये भाजपा की सरकार में किसी प्रकार का भी अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, या धर्म का हो या अवैध निर्माण का हो। मुंबई मालाड। गेल्या काही महिन्यांमध्ये देशभरात हिंदूंच्या हत्येचे सत्र वाढले आहे। देशातील अनेक ठिकाणी धर्माच्या नावावर एका विशिष्ट धर्माकडून हिंदूंना टार्गेट केले जात आहे। या विरोधात आज राज्यभर मुकमोर्चाचे आयोजन करण्यात आले। राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये आज सकल हिंदू समाजाच्या वतीने मुकमोर्चा काढण्यात आला। असंच एका मुकमोर्चाचे आयोजन मालाड मालवणी या ठिकाणी करण्यात आले होते। या प्रसंगी भाजपचे वरिष्ठ नेते किरीट सोमय्या उपस्थित होते। भर पावसात अनेक समाजातील नागरिकांनी यात सहभाग घेतला होता। या प्रसंगी भाजपचे महाराष्ट्र बिहारचे सेलचे उपाध्यक्ष विशाल भगत यांनी सांगितले की महाराष्ट्रात आता हिंदूंवर अत्याचार सहन करणार नाही, तसेच मुंबईत सुद्धा अवैध बांधकामांवर आळा घालण्याचे कार्य सुरू ठेवू। आज इतना बड़ा बारिश में रैली का आयोजन किया गया, इस रैली के बारे में क्या कहेंगे? हिंदू जाग चुका है और हिंदू जानता है कि अपने रक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए। आज हिंदू जो आप यह जागृति रैली देख रहे हैं, ये हर समुदाय के लोग, हर संगठन के लोग एक साथ, आप महिला लोगों की तादाद देख रहे हैं जिस प्रकार से लोग जागे हैं, ये तो एक बार हिंदू को जगाने का काम था, आज हिंदू जाग चुका है। इतनी घोर बारिश में भी ना छत का परवाह करते हुए, ना अपना शरीर का परवाह करते हुए, बजरंगी भाई लोग, मेरे वीर बजरंगी, ये मेरे साथ में, हम लोग के साथ में बजरंग दल के लोग, हर समुदाय के लोग, हर संगठन के लोग, सब कोई मिलके एक साथ आज हिंदुत्व का, एकता का परिचय देते हुए आज हम लोग पूरे मुंबई में इसका नियोजन किया हूँ। सर, क्या क्या उद्देश्य रैली का जो आयोजन किया गया है? ये जो आज देश में कुछ मौलवियों के द्वारा जो कटाक्ष किया जा रहा है, उसको जवाब देने के लिए किया गया है और दिखाया गया है कि हिंदू में जो एकता है वो बहुत ही है, अगर संगठित कर दोगे तो तुम्हारे नाम और निशान नहीं मिलेंगे। आज आपके वरिष्ठ नेता जो है किरीट सोमय्या जी यहाँ पे आज मौजूद है, आज वो मढ़ में भी गए थे, उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? किरीट सोमय्या जी पिछले बार भी आए थे और उन्होंने कहा था कि ये जो अवैध निर्माण है मढ़ में, जितने भी अवैध निर्माण किया गया है, उसको रोकने के लिए उनको जैसे भी कैसे भी करके अधिकारी लोग को लेके आके और सही में ऐना दिखाने का काम किए हैं। जिस प्रकार से अवैध काम मढ़ में स्टूडियो बना के किया जा रहा है, उसको रोकने का काम किए हैं। हमारे गोपाल शेट्टी मार्गदर्शक, उन्होंने भी वहाँ पर स्कूल में रोड बनाने के लिए दिशा निर्देश दिया है। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये भाजपा की सरकार है और ये भाजपा की सरकार में किसी प्रकार का भी अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, या धर्म का हो या अवैध निर्माण का हो। जागृत महाराष्ट्र न्यूज मालाड मुंबई। ताजा अपडेट साठी जागृत महाराष्ट्र ला सब्सक्राइब करा आणि बेल आयकॉन ला प्रेस करा।